गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, मैं सौरभ जैन। आप लोग के लिए चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आप लोग के लिए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन और फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं अपन नंबर सिस्टम्स पर, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर आते हैं, जिन्हें अपन नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें अपन इस क्वेश्चन में रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अपन लिखते थे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p / q। तो अपन को बताना है 0 एक रैशनल नंबर है क्या, तो अपन यहां पर लिखेंगे, जैसे नॉर्मली अपन 0 को लिखेंगे 0, ठीक है। और रैशनल नंबर को कौन से नंबर होते हैं जिनको अपन p / q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया तो अपन ऐसा अपन करके अपन लिख सकते हैं। तो देखो 0 को अपन p / q के फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, तो अपन यहां लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। 0 कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। अब इसे p / q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पहले मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूं, तो यहां पर लिख दूंगा p / q is equal to 0 / 1, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने पूछा था 0 एक रैशनल नंबर है, अगर है तो p / q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 0 / 1, कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है तो रैशनल नंबर कहलाता है। यस 0 इज अ रैशनल नंबर, और इसे अपन ने p / q के फॉर्म में लिख दिया, p is equal to 0 and q is equal to 1। तो ये मेरा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन को बुक में दिया हुआ है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, मतलब 3 और 4 के बीच में अपन को 6 रैशनल नंबर क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन 3 कॉमा 4 राइट करेंगे, इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं का, दोनों डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1, 3 / 1 कॉमा 4 / 1। अब अपन कभी भी अपन कुछ टाइप का क्वेश्चन आए और अपन को रैशनल नंबर्स फाइंड करने पड़े, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपन सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसमें 10 लेके चल रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का, ठीक है। तो यहां आ जाएगा अपना 30 / 10 कॉमा 40 / 10, ठीक है। इसके बीच में अपन को कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6। तो 30 के बाद क्या आता है, 31 / 10 डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 32 / 10, 33 / 10, 34 / 10, 35 / 10 कॉमा 36 / 10। तो ये अपने 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। 31 / 10, 32 / 10, 33 / 10, 34 / 10, 35 / 10 और 36 / 10। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 / 5 एंड 4 / 5। तो पहले अपन लिखेंगे 3 / 5 कॉमा 4 / 5, डिनोमिनेटर इसका सेम है, इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का। तो 3 / 10 / 5 / 10 कॉमा 4 / 10 / 5 / 10। तो यहां जाएगा 30 / 50 कॉमा 40 / 50, और 30 और 40 के बीच अपन को कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर। तो यहां आ जाएगा 31 / 50 कॉमा 32 / 50 कॉमा 33 / 50 कॉमा 34 / 50 कॉमा 35 / 50। ये 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 / 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया। तो ये 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।